दोस्तों, ड्रामा सीरियल जहां में आगे आप देखेंगे कि सिकंदर ने अरीज का बहुत बुरा हाल कर दिया। अरीज जो कि सिकंदर को देखना भी गवारा ना करती थी, उसने सिकंदर से साफ कह दिया, सिकंदर आप जैसी मोहब्बत मुझसे चाहते हैं मैं वो आपको कभी नहीं दे सकती। आप मुझे हासिल करके भी ला हासिल रहे, क्योंकि मैं आपको देखना भी गवारा नहीं करती। सिकंदर को ऐसा लगता था कि ये सब इरफान की वजह से है, क्योंकि अरीज के दिल में आज भी इरफान के लिए जगह है। अरीज, अगर इरफान मेरा भाई ना होता तो मैं उसे तुम्हारे सामने जिंदा जला देता। ये तो खुदा का शुक्र अदा करो कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, वरना मैं तुम्हारा वो अंजाम करता तुम हमेशा याद रखती। इस पर अरीज ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया, क्योंकि उसे सिकंदर से बहुत डर आ रहा था। सिकंदर जो कि सिर्फ उसे मारने का मौका ढूंढता और उस पर बहुत तशद्दुद करता, अरीज बहुत तंग आ चुकी थी। लेकिन वो बताती भी तो किसको? आरिफ साहिब उसको पहले समझते थे, लेकिन अरीज की सौतेली माँ उसने आरिफ साहिब को भी अपनी बातों में लगा लिया। अब वो भी अरीज के खिलाफ बहुत ज्यादा बदजन हो चुके थे। अरीज को समझ नहीं आ रही थी आखिर वो क्या करे। इधर सही बात जो कि जानती थी कि ये सब किया हुआ उसकी माँ का है, क्योंकि वो अरीज की बातें सुन चुकी थी। उसने अपनी वालदा से बात करना चाहिए कि आपने अरीज के साथ गलत किया। खुदा की लाठी बे आवाज है, किसी की आह लगने में जरा सी देर लगती है, इसलिए आपके पास वक्त है, आप बाबा को सब कुछ सच बता दें, वरना उन्हें मैं बता दूंगी। लेकिन वो फिर भी टस से मस ना हुई। साहिबा ने आरिफ साहिब से कहा कि मामा ने अरीज की शादी सिकंदर से करवाने के लिए उससे पैसे लिए, और इन्होंने ऐसे हालात पैदा किए कि अरीज अपनी बेगुनाही में कुछ ना कह पाई, वरना वो तो बेकसूर है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि आरिफ साहिब ले आएंगे अरीज को वापस? अपने फ्रेंड्स से बताइएगा। शुक्रिया।